बाज जैसी नजर और चीते जैसी फुर्ती, धोनी का यह स्टंप नहीं देखा तो क्या देखा। धोनी ने 41 की उम्र में डाइव लगाकर रोकी गेंद और फिर हो गया कमाल। बिजली की रफ्तार से मारा ऐसा थ्रो, उखाड़ डाले स्टंप, सब हैरान रह गए। आईपीएल का 37वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में कप्तान संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए। वहीं इस मैच में आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे 41 साल की उम्र में कमाल की फुर्ती दिखाते हुए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को रन आउट कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वे विकेट के पीछे खड़े होते हैं तो उनका कोई सानी नहीं, क्योंकि वे विकेट कीपिंग के मामले में सबसे खतरनाक कीपरों में शुमार हैं। वे पलक झपकते ही स्टंप आउट कर देते हैं, यह बात बल्लेबाज बखूबी जानते हैं। लेकिन इस बार धोनी ने कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाते हुए राजस्थान की पारी के 20वें ओवर के दौरान कमाल की फुर्ती दिखाते हुए ध्रुव जुरेल को रनआउट करते हुए पवेलियन भेज दिया। इस तरह के रनआउट करना आसान नहीं होता। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। उन्होंने अपनी कप्तानी में सीएसके को 4 बार चैंपियन भी बनाया है, इसलिए उन्हें मिस्टर कूल के नाम से जाना जाता है। इस मुकाबले में भी धोनी ने ध्रुव जुरेल को रनआउट करने के लिए कमाल की फुर्ती का मुजाहरा किया। हुआ कुछ यूं था कि गेंदबाज पथिराना ने पड़ीकल को वाइड गेंद डाली, जिस पर बल्लेबाज ने एक रन चुराने की कोशिश की और दोनों खिलाड़ी एक रन लेने के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरे छोर पर खड़े जुरेल रन को क्रीज में पहुंच पाते उससे पहले धोनी ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद को कलेक्ट करते हुए सीधा थ्रो किया, जो स्टंप पर जा लगा। उनके इस आउट के बाद स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा। आईपीएल के 37वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने चेन्नई सुपर किंग्स थी। इस मैच में राजस्थान ने सीएसके को 32 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने बोर्ड पर 202 रन लगा दिए, जिसके जवाब में सीएसके की टीम 6 विकेट खोकर सिर्फ 170 रन ही बना पाई। राजस्थान के बड़े स्कोर के जवाब में चेन्नई की टीम की शुरुआत खराब रही। उनके स्टार ओपनर डेविन कॉनवे सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गई। वहीं पिछली कई पारियों से कमाल का प्रदर्शन कर रही अजिंक्य रहाणे भी 15 रन बनाकर पवेलियन चले गई। ऋतुराज गायकवाड़ ने 42 रनों की अच्छी पारी खेली। इसके अलावा 33 गेंदों पर 52 रन शिवम दुबे के बल्ले से निकले। हालांकि धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई राजस्थान से मुकाबला तो नहीं जीत पाई, लेकिन धोनी के इस रनआउट ने सबका दिल जीत लिया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी फॉलो कीजिए।